फ्रेंड्स, वेलकम टू द रितुस किचन। आज रितु की किचन में हम दिल्ली की मशहूर मूंगलेट बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं दिल्ली की मशहूर मूंगलेट। मूंगलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप मूंग की दाल लेंगे, 2 चम्मच उड़द की दाल और 2 चम्मच चने की दाल लेंगे। मैंने दाल को 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद उसको मैंने पीस के इस तरह से बैटर तैयार कर लिया है। बैटर इस तरीके से होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ज्यादा पतला। और इसको पीसते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसे ज्यादा दरदरी भी ना करें और ना ही ज्यादा बारीक करें। इस तरीके से पीसें। मूंगलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए शिमला मिर्च, जो मैंने इतने टुकड़ों में काट ली है, और प्याज चाहिए, ऐसे छोटी छोटी प्याज काट ली है, और गाजर। गाजर को मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अगर आपके पास चुकंदर हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने चुकंदर नहीं ली है, उसकी जगह गाजर ली है, और आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये है धनिया जो चॉप किया हुआ है, और ये स्वीट कॉर्न है जो इसमें डालेंगे, और मैंने अदरक को लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, और नमक है, मीठा खाना सोडा है, और लाल मिर्च है, और तलने के लिए देसी घी है। अब हम बनाते हैं मूंगलेट। चलिए, सबसे पहले हम इस पीसी दाल में एयर बनाएंगे। ऐसे इसको 5 मिनट तक फेंट देंगे जिससे कि इसमें एयर बन जाए। ये देखिए, एयर के बबल्स भी बन रहे हैं, और इस तरीके से 5 मिनट तक लगातार फेंकते रहिए। ये देखिए, अब इसमें बबल्स बन गए हैं। मैंने इसको लगातार 5 मिनट तक फेंका है। अब हम इससे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में ये बैटर डाल देंगे। अब ये बैटर हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें थोड़े से स्वीट कॉर्न डालेंगे, थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, जैसा आपको पसंद हो, और थोड़ी सी लाल मिर्च और मीठा सोडा, जिसे हम खाना सोडा भी बोलते हैं, थोड़ा सा डालेंगे इसमें। फिर इसको हम मिलाएंगे। अच्छी तरह से ये मिल गया है। हम एक तया लेंगे और उसे गर्म होने के लिए रख देंगे, और उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब हमने ये जो बैटर तैयार किया है, इसे हम तवे पे डाल देंगे और सेकने के लिए रखेंगे। गैस को कम फ्लेम करके रख देंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे पके, और ये पक रहा है। अब इसके ऊपर हम गाजर के कुछ पीसेस लगा देंगे। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, उसी तरीके से आप भी लगाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है मूंगलेट। अब मैं कुछ अदरक के पीसेस ले रही हूँ, जो इसमें लगा रही हूँ, और अब थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर लगा दूंगी। धनिये से ये काफी सुंदर लगने लगता है। ये देखिए, लग रहा है ना अच्छा देखने में। अब इसको थोड़ा सिकने देंगे धीरे धीरे। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो ये तवे को अपने आप छोड़ देगा, और फिर इसे हम पलट देंगे। इसको पलटने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब इसको हम पलट देंगे।
ये देखिए काफ़ी कुरकुरा क्रिस्पी बना है ये। अब इसको दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पर ही सिकने देंगे। अब हम इसे फिर से पलट देंगे और इसमें कट लगा देंगे, जैसे पिज़्ज़ा में कट लगाते हैं ऐसे इसमें कट लगा देंगे, पर पूरा कट नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है। और इसमें फिर से 2 चम्मच घी डाल देंगे और फिर इसको फिर पलट देंगे थोड़ी देर और सिकने के लिए। 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही सिकने दें। अब हम इसे कलछी की सहायता से मोड़ देंगे ऐसे और ये सर्व करने के लिए रेडी है। बच्चों को ब्रेकफास्ट में ये नाश्ता आप खिलाइए, काफ़ी टेस्टी लगेगा। इसे सॉल्ट और चटनी के साथ खाते हैं और सॉल्ट और चटनी से इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आऊँगी आपके लिए नई वीडियो लेकर ऋतु की किचन में।